आखिरकार रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम के हाथों शर्मनाक हार लग गई। संजू सैमसन और शिमरन हेटमायर के कहर के आगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी इस मुकाबले को नहीं बचा सकी। तो वही हार्दिक पांड्या की बीवी नताशा का भी यहां पर जमकर गुस्सा फूटा और उन्होंने शमी की लताड़ भी लगाई। उन्होंने शमी को टीम की हार का मुख्य जिम्मेदार माना। तो ये जानते हैं क्या कुछ कहा नताशा ने और शमी को किस तरह से ठहराया हार का जिम्मेदार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर राजस्थान की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की शुरुआत कुछ खास रही नहीं, साहा और सुदर्शन जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने 46 रन बनाए तो हार्दिक पांड्या ने 19 गेंदों में 28 की पारी खेली। उसके बाद डेविड मिलर ने यहाँ पर 30 गेंदों में 40 रन बनाते हुए अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो वहीं अभिनव मनोहर ने 13 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलकर टीम को 20 ओवर में 170 रनों तक पहुंचा दिया था। लक्ष्य तो बड़ा था, अब जरूरत थी गुजरात की टीम को शानदार गेंदबाजों की, और हार्दिक पांड्या ने वह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 21 के स्कोर पर गिल के हाथों कैच आउट कराकर पहली सफलता दिला दी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के ऊपर दबाव सा बन गया था। मोहम्मद शमी आग उगलती हुई गेंदबाजी करा रहे और उन्होंने अपने खतरनाक गेंद के चलते जॉस बटलर को भी छोटा साबित कर दिया और शून्य के स्कोर पर बोल्ड मारकर लगभग कमर ही तोड़ दी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम की। उसके बाद देवदत्त बडिकल और संजू सैमसन ने यहां पर पारी को संभाला और कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। 8 ओवर में दोनों ने 40 रन टीम का स्कोर बना दिया था, लेकिन उसके बाद जब राशिद खान गेंदबाजी पर आए तो मुकाबला पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले उन्होंने पार्टिकल को 25 गेंदों में 26 रन बनाकर मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया, और उसके बाद रियान पराग को 5 के स्कोर पर मिलर के हाथों कैच आउट कराकर लगभग कमर ही तोड़ दी थी। टीम का स्कोर सिर्फ 10 ओवर में 55 रन ही था और 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने अपनी कमर कस ली और सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू की। राशिद खान के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर तो इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था, और वहां उन्हें दूसरी तरफ साथ मिला हेटमायर का। हेटमायर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और यही कारण रहा कि 14 ओवर में 100 का आंकड़ा भी पार हो चुका था। अब जीत के लिए 6 ओवर में लगभग 77 रनों की जरूरत थी। उसके बाद संजू सैमसन 62 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सिमरन हेटमायर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ जुरेल भी दे रहे थे। अंतिम 4 ओवर में जीत के लिए 44 रनों की जरूरत थी। दरअसल मुकाबला अंतिम चरण में काफी ज्यादा फंस गया था, क्योंकि पहले जुरेल आउट हुए और उसके बाद 2 ओवर में जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। मोहम्मद शमी यहां पर गेंदबाजी पर आए, पहली गेंद पर उन्होंने छक्का खाया और उसके बाद जुरेल आउट हो गए। मुकाबला तो जब पलट गया जब रविंद्र चंद अश्विन ने मोहम्मद शमी पर पहले चौका लगाया और उसके बाद छक्का मारकर अंतिम ओवर में मैच 7 रन ही छोड़ दिए थे, और शिमरन हेटमायर ने अगले ओवर में शानदार छक्का लगाते हुए अपनी टीम को इस रोमांचक मुकाबले में भी जीत दिला दी। टीम की हार के बाद पत्नी नताशा का भी जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि टीम का प्रदर्शन वाकई में शर्मनाक रहा। शुरुआत से ही मुकाबले में टीम हार जाए तो उससे ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन जब जीते हुए मुकाबले को आप हारते हैं तो यकीनन दर्द होता है, और इस हार से सबसे ज्यादा योगदान शमी का रहा, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी होने के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 19वें ओवर में आपको अच्छी गेंदबाजी करनी थी। 2 ओवर में 23 रन काफी होते हैं मैच को बचाने के लिए, लेकिन शमी ने एक छक्का तो जोर से खाया ही, और उसके बाद अश्विन से भी एक छक्का और चौका खा लिया, जिसके बाद यह मुकाबला पूरी तरह से हमारी टीम की झोली से निकल गया। एक ओवर में शमी ने 16 रन दे दिए। अंतिम ओवर में मैच में फाइट करने का मौका ही नहीं छोड़ा। शमी अनुभवी खिलाड़ी होने के बावजूद भी इस तरह की गलतियां करेंगे तो आगे से टीम को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इन सभी कमियों पर काम करना होगा, और पांड्या को भी इन सब चीजों पर नजरअंदाज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शमी की वजह से आज इस मुकाबले को हमारी टीम हारी है, जबकि राशिद खान ने भी टीम की हार में बराबर भूमिका निभाई। इस तरह से पत्नी नताशा ने मोहम्मद शमी और राशिद खान को टीम की हार जिम्मेदार माना, लेकिन आप सभी को क्या लगता है किस वजह से गुजरात टाइटंस की टीम हारी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।